तो किसी भी प्रकार की मन्नत को पूरा होने पर यहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है। स्थानीय नागरिकों से लेकर तो देश विदेश से लोग यहाँ पर आकर घड़ी चढ़ाते हैं। ग्राम में स्थित है, मौजूद है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक पेड़, पेड़ पर आपको बहुत सारी घड़ियाँ नजर आ रही है। उज्जैन जिले का एक ऐसा मंदिर जहां पर मन्नत पूरी होने पर चढ़ाई जाती है घड़िया। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उज्जैन से 35 किलोमीटर दूर ग्राम गरड़िया स्थित में सागर जी महाराज का मंदिर बड़के पेड़ के नीचे स्थित है। मान्यता यह है कि यहां पर आकर सभी भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं एवं समय परिवर्तित हो जाता है। भक्त यहाँ पर मनोकामना लेकर पहुँचते हैं और मनोकामना का धागा बांधते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ पर घड़िया चढ़ाई जाती है। कहते हैं कि भक्तों का बुरा समय यहाँ पर जाकर अच्छे समय परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है। यहाँ पर स्थित बरगद के पेड़ पर हजारों की संख्या में घड़ियाँ चढ़ी हुई दिखाई देती हैं और देश विदेश से कई श्रद्धालु यहाँ पर आकर मन्नत पूरी होने पर आते हैं। द खबरदार से नीलेश मालवी की रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ नीलेश मालवी और आप देख रहे हैं खबरदार न्यूज। हम उज्जैन से 35 किलोमीटर दूर स्थित गराड़िया सांगा ग्राम में स्थित है, मौजूद है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक पेड़, पेड़ पर आपको बहुत सारी घड़ियाँ नजर आ रही होगी। ये हैरान करने वाली बात हो सकती है, लेकिन हमारे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है सगत जी महाराज का मंदिर। यहाँ पर दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं अपना समय परिवर्तन के लिए। समय परिवर्तन जी हाँ, खराब समय को अच्छे समय में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर मन्नत मांगी जाती है धागा बांधकर, और जब उनका समय परिवर्तित हो जाता है तो यहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है। इस पेड़ पर आपको हजारों की संख्या में घड़ी दिखेगी। जब पेड़ों पर पूरी घड़ियों की संख्या भरा दी है तो आप नीचे देखेंगे तो नीचे भी बहुत सी घड़ियाँ पड़ी हुई है। यहाँ पर हम स्थानीय नागरिकों से बात करते हैं कि क्या महत्व है इस स्थान का, यहाँ पर घड़ी क्यों चढ़ाई जाती है। तो किसी भी प्रकार की मन्नत को पूरा होने पर यहाँ पर घड़ी चढ़ाई जाती है। स्थानीय नागरिकों से लेकर तो देश विदेश से लोग यहाँ पर आकर घड़ी चढ़ाते हैं। ये आपको देखने में एक अचंभी एक पहला मंदिर दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ये आस्था के कारण लोग यहाँ पूरे भारतवर्ष से आते हैं। आप देख रहे हैं उज्जैन से नीलेश मालविया की रिपोर्ट, ब्यूरो चीफ राइस महेश्वरी जी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।